रब्बावे की करी जाना ऊपर चढ़े थल्ले उतर ध्यान ना उतर ध्यान ना चंगा कीता तू आ गई मैंने तो दो दिन हो गए ऊपर चढ़े ऊपर चढ़े की करी जाना ओए आ लीड़े टंगण वास्ते दाल टंगणी सी गंदी ला रहे मार ले मैं दा तंग बहुत ओहो चल पहला बैठ साल है बैठ पहला बैठ आदे हाल की बना पांड्या ते कानू गुस्सा कड्डी जाना भजरिया बैठ साल है बैठ बैठ आके उथे ही सड़ दंदे आ और सुना नया सा का दा तू वे भजरिया तू ता ईदा ही चंद हो गया कमलिया दिखदा ही नहीं नजर ही नहीं आंदा किथे रहना आ तू केड़ा पंजा दा ते अस्तामा को मिलदी आ आ दुख देनी है बड़ी टार कड्डी आ पठोरियां दे कन्ना को लपटा नियां लमकाईयां किते ब्याह बूह दी तैयारी ता नहीं है वे ब्याह भी हो जूगा एड्डी केड़ा काली आ ना 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 छड़ी रही छड़ी मर जानिया सुख सुख बोल मेरे ना हुंदी तेनू पता बाए ता मिठी जेड़ा मैं तेनू रह दिना ना करें चल छड़ होर ता गल्लां होईयां बच्चे किवें ठीक ठाक ने बच्चे तेरे सामने सांतीए पुठियां सिद्धियां छाला मार दिया ना चढ़ी दी ना लथी दी चल कोई गल नहीं बड़े मुंडे दा की हाल आ भजनिया बड़ा मुंडा दा सांतीए को ज्यादा ही बड़ा हो गया आसे पासे मुंह मार लग गया हाय हाय वे किसे ना छेड़छूर ता नहीं बैठा रब्बा मैनू समझ नहीं आंदी साडे वाला बुढ़ा नित बुढ़ी फसा के बह जांदा है अज आप भी किसे कुड़ी ते ट्राई मार के वेखदे हैं ऐ छेड़न दी गल सुन ला रात दे दो ढाई बजे आ कोठे ते चढ़िया फिर दो ढाई बजे मैनू बिड़क जी आई पुत्र रात दे ढाई बजे कोठे ते की करदा पुत बापू तू पहले जाके बापू मैं कुछ जरूरी काम करदा बापू जी जरूरी काम भूत नहीं दिया बार्डर ते उथे मोर्चे च बंदूक लई खड़ा जेड़ा काम करदा करदा की उपर बापू जी किन्ना सोहना चंद है मैं चंद वेखदा बापू पुत मैं ना तेरे वाली उम्र च ही लंघे आ इसे कोठे ते चढ़ के ना मैं एक बारी चंद देखिया सी ते हजे तक नरक भोगना ऐ कर अपने चंद नु भी कह दे अपने घरे चला जावे ते तू भी थल्ले उतर जा क्यों बापू ते थोड़े दोना ते ना शनि भारू ना हो जाए ना भजनिया हुण वड्डे मुंडे बारे की सोचिया वड्डे मुंडे बारे सांतीए भी हुण ओदा किते ब्याह मंगना कर दिए आहो भजनिया औलाद अपने मुंह थोड़ी कहंदी हुंदी वे असी ब्याह कराना आ ओ तां आपां नूं ही सोचना पैणा पर हुण चंगे रिश्ते करया किते धरे पया चंगीआं कुड़ीआं मिलदीआं नहीं किथे मिलदियां भजनिया एक देखी सी कुड़ी अच्छा ते कुड़ी दा रंग थोड़ा जा मुश्की सीगा नैन नक्श तिखे सी मुंडे नु ता पसंद आ गई सी मुंडे नु भी पसंद आ गई सी ते मैनू भी पसंद आ गई सी अच्छा ते मुंडे दी बेबे दी मनी क्यों चल चल गए मैनू नी कुड़ी पसंद कुड़ी नु उल्ली लगी है चंगी भली कुड़ी है सोहनी सनखी है कुड़ी ता जामनू दे पक्के दे रंग वर्गी काली है इन्नी काली आ तू बड़ी हेमा मलानी है तेरे नाल ता रंग सोना मैं क्या चल उठता चलिए कल्ली चली जा तेतो डोके ने लेने मुंडे नू छड़ जा ओ जानती है कुड़ी पर होर देखी सीगी अच्छा ए कुड़ी ता मैनू भी पसंद है सुख नाल काके नू भी पसंद है ते फिर मैं कहनी हूँ सुख नाल बकाओ है जब खाना ये ते मैनू भी पसंद है ना फिर सिरे चढ़ गया रिश्ता सिरे की चढ़ना उठे मैं लत नहीं लाई क्यों मैनू ता पसंद कर ऐडा भी प्लग कट रहा कर मैनू पसंद है कैसी गंदी लात जमी है ना मेरा कल्ली दा कसूर है कसूर है मैं ता नरक भोगे ही भोगया मेरी लात कानू भोगे ना की मतलब है मतलब की है कुड़ी दी शकल जमा तेरे ना मिलदी पे भजनिया कोई होर कुड़ी काड़ी देख लेनी सी मुंडे दा ब्याह ता हुण करना ही आपां ओ फे जानती है सानू जरनैल कमान ने एक कुड़ी दी दस पाई अच्छा कहंदा भी खानदान बहुत बढ़िया कुड़ी सोहनी आ कुड़ी दे संस्कार बहुत अच्छे आ ते कुड़ी बड़े धार्मिक विचारां दी आ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੱਥੇ ਕੁੜੀ ਸਿੱਖੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਵੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ
ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਰਕ ਭੋਗ। ਹੋਰ ਬਾਪੂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਬਾਪੂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸੀ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਚਾਰ ਭਰਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਅੱਜਾ ਪੁੱਤ ਐ ਕਰੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਤੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਪੁੱਤ ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਲੈ। ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਉਹ ਸੰਤੀਏ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਜਨਿਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇਜ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਧਨੀ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਪੱਟ ਸ਼ਾਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਸਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਰਸੋਈ ਦਾ, ਖੱਡੀ ਦਾ, ਸਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਲਿਸ ਆ, ਉਧਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮਿਸ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਆ, ਬਈ ਔਲਾਦ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਸਲੱਗ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਭਜਨਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 44 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਵੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੈ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਸਾਥੀ, ਇਹ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨੀ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਲੀੜੇ ਨੀ ਧੋਂਦਾ, ਔਰ ਗੋਟੇ ਗੋਟੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਲ ਜਮੀ ਪਈ। ਭਜਨਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ ਉਹ। ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਵੀ ਨੱਕ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 5-4 ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਵਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ। ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ ਚੜਾਤਾ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਭਜਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ ਕੀ ਸੁਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਡਾਇਆ ਵਾ। ਆਹੋ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਸ਼ਕ ਦੇਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹਟ ਗਈ। ਭਜਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਵਾਕ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।
न्याणे दी गल करदी आ। ओ जेड़ा 24 घंटे गब्बर सिंह बणिया रहिंदा आ, तैनू भी छेड़िया ने? एक दिन मेनू भी छेड़िया। की कहंदा? मेनू एक दिन कहंदा, ओ बसंती जरा ठुमका तो लगाई दे। ओदा गुस्सा ना करो, ओदा फेरे देना मेनू भी टाच करदा रहिंदा। अच्छा, कल उहने मैथों इन्नी कुट खाधी ना, इन्नी कुट खाधी। हां, कुट खाण तों बाद पता मेनू की कहंदा? की कहंदा? अब तेरा क्या होगा कालिए। संती अपनी बेबे तो जमन वेले बड़ी कुट खादी सी। जमन वेले कुट खादी? जमन सार हजे दाई दे हत्था सी सी। हाँ? पता की कहंदा? की कहंदा? कितने आदमी थे बेबे। ए जान दे जान दे भजने, हुण वी तू अपने जवाकां दे पक्ष दी गल करनी आ, आप ही तां उहनां नूं शह देई जाना। कादी शह दिंदा मैं? कल मैं शिखर ते पैरे देख्या, साइकिल ते लई उहनूं शहर नूं जांदा सी, की करन जांदा सी? ओए होए, गल सुन ला, ओह तां मेरी गल सुन ला, मेरे 2 महीने दा मेरे मगर पिया है सी। अच्छा, मैं कहंदा पापा पापा मैनू ना कहंदा कोई मूर्ति खिलौना मैनू लै दे। अच्छा, ना फिर लेता खिलौना? ओथे भी मेरी बेइज्जती करा देनी सी शहर। ओ की गल होगी? ओथे संतिए मैं खिलौने वाली मूर्तियां वाली दुकान ते उन लै बड़िया। अच्छा, ते सामने पई सी गणेश जी दी मूर्ति। अच्छा, मैनू कहंदा पापा जी चल आए करो मैनू गणेश जी महाराज मैनू लै दे। अच्छा, मैं ओदा भा पुछया, नौकर कहंदा जी ये हैगा 1100 रुपए दा। इन्नी महंगी? मैं क्या पुत गणेश जी होरी बड़े महंगे, आए कर भी होर कुछ ले ला। अच्छा, कहना चंगा आए करो बापा जी, ओ जेड़ा है ना हनुमान जी महाराज। हाँ? मैनू ओ ले दे। ओ ले दो। ओ नौकर नु पुछया, ओ कहंदे जी ये 900 रुपए दा। ना फिर कीता की? मैं क्या पुत हनुमान महाराज भी बड़े महंगे, चल मैं तेनू होर दुकान तो कितों ना कितों कुछ ना कुछ ले देना। आहो, अजे मैं तुरने लग्या सी ओदे मेरी बाह फड़ के रोक ले। कहंदा पापा जी पापा जी, कहंदा ओ जेड़ा कुर्सी ते बलैती बांदर बैठा ना मैनू ओ लै दे। अच्छा, ओ मैं क्या या चुप कर, हौली बोल मेरे छित्र पवावेगा। क्यों? मैं क्या ओ बलैती बांदर नहीं, ओ दुकान दा मालिक आ। जुबान चलदी है, गल तां सुन ल। की गल होई है? सौखा करे, एडी सिद्ध बद्री जनानिया मेरे घर आली, मैं कहना भी इना बंदा ना ओवर क्लेवर नहीं होना चाहिए। होया की है भजनिया, इना कदे औखा होया पिया? होना की है, मैं उन्हूं 20 बारी कहा भी जेड़े 9 दे गहने है इना नूं संभाल के चंगी तरह पेटी दे विच जिंदा जुंदा ला के रख। तैं चंगा ही कहा उन्हूं? कहंदी जी मैं थोड़े नाल बथेरी सियाणी है। अच्छा, ओ मैं क्या अजकल थां थां ते चोर तुरे फिरदे, मैं तेनूं दस्या भी गहने है सोने दे गहने नूं संभाल के रख। आहो, बस की कीता पोने जी दे विच बन के ना। हाँ? ट्रंक दे उपर रख दिया करे, नाल इक चिट लिख के रख दिया करे पर्ची। पर्ची ते की लिख के रख दी सी? पर्ची ते लिख के रख दी सी ये नकली गहने आ। हाँ? असली गहने ता साडे बैंक दे लॉकर च पए। अच्छा, बस फिर एक दिन चोर आया, ओ जो गहना नूं हुंजा मार के चले गया। नी मैं मर जा, नाल इक पर्ची लिख के रख गया। ना ओ पतंदर पर्ची दे की लिख के रख गया? हाय हाय, मेरे गहने वाली पोटली, हाय मेरी मंगा, मेरी मां वाली गोखड़ो, हाय मैं मर गई, मेरी एडी मोटी चेनी, मैं क्या गल सुनो जी? की गल होगी, का तो रोड़ा पाया तो हाई पाई है। हाय हाय, इथे तो मैं एडी वड्डी गहने दी पोटली रखी सी, मैं मर गई, किधर गई हो? क्यों, ओ तो ज्यादा ओवर क्लेवर बनदी सी, कोई फेर गया हुंजा। पर्ची दी की लिखी है, पढ़ो जरा। मैं भी नकली चोर हाँ, असली चोर ता पुलिस दे लॉकर च। ना मेनू ता पता लग्या सी भजने, चोर तेरे घरे पहला भी आ वड़े सीगे। ओ पहला ता जनानी ने ही सबक सिखाता सी ओनू। अच्छा, ओ जनानी दे 2-3 बारी साडे घरे चोरी हो गई सी। हाँ? जनानी ता हुण सौंदी नहीं सीगी। हाय हाय, ओ दस बेचारी, ओनू किथों नींद आजू। एक दिन किते चोर आ वड़िया, चोर आ बढ़िया कि अंदर बड़ नहीं लग्या सीगा। हाँ? ते जनानी नू बिड़क जी लगी, संतिए जनानी ने ज्यों फड़िया गलामे तो भगा के देहलियां च मारे। बना दूं पापा, बना दूं पापा।
चोर नू पुलिस फड़के थाने लेगी। चंगा हो लेगी मोए नू। थानेदार कहना है करो भाई अपनी जनानी नू लेके ओदे वल्लों FIR दर्ज होगी। अच्छा वे कारवाई करनी है। ते उन्होंने एप्लीकेशन लिखन तो बाद थानेदार कहना बीबी आए कर भाई थले अपने वल्लों सिग्नेचर कर। हे मैं कहा ये सिग्नेचर की हुंदा है लानता करे थानेदार दे सामने हुन मेरी बेइज्जती करावेगी। ब्याह तो पहले ने जरस तो मैंने चिट्ठियां लिख दी हुंदी सी। अच्छा चिट्ठी लिखनी है। ओ चिट्ठी सोहा लिखनी है थानेदार नु लिखनी है। चिट्ठी लिखण तो बाद नहीं थल्ले तो आपदा नाम लिख दी हुंदी सी। बस ओदा नाम लिख दे। लिख दा। हां लिख दे। या की बेड़ा गर्क करता। क्यों आ थल्ले की लिखता तेरे प्यार दी प्यासी नसीब। हुन भजनिया नौहां दी गल बात सुना। सुखना हुन मुंडे ब्याह ले ते। कादी नौहां दी गल बात सुनावा संतिए। मैं ता सोचा सी मुंडे ब्याह ले हुन मंजे ते बैठ के मियां बीबी आराम नाल रोटी खावा। आहो पर असि ता कसूते फस गए। की गल हो गई। मैं कहना इन्ने कसूते फस गए जिदा हद हिसाब कोई नहीं। हाय हाय होया की घर तेरे सुख सांद। सुख सांद के जेड़ा वड्डा मुंडा ब्याह सी मैं। आहो जेड़ी कुड़ी कहंदी सी मैं बहुत लायक हां जी महाभारत मैं थोड़े घरे आके लाइव दिखाऊंगी। आहो साडे ता सारे ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਡੱਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੜੀ ਸੋਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਸ਼ਾਬੇ ਚ ਉਹ ਮੁੜਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਨਾ ਵੀ ਖਾਵੇਂ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਲੱਖਣ ਕਾਰੇ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲਈ। ਮਾਸਾ ਕ ਮੱਖਣ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਊ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਆ ਲੋ ਖਾ ਲੋ। ਆ ਬਤ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੜ ਡੱਠੇ ਖੂਚ। ਜੱਜ ਨਾ ਬੋਲ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਤੇਈ ਬੋਲਦੀ ਆ ਰੋਟੀ ਆ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਆ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਪੁੱਤਾ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕੀ ਕਹਣੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਗਵਾਂਢੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ